समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे कि गियर कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बता दो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पुली कैसे बनाया जाता है। ये पुली है जो आपको दिखा रहा हूँ, तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, या आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में तीन तरीके आपको बताऊंगा गियर किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेथड नंबर वन देख लेते हैं किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ हम MDF बोर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि ईजिली मिल भी जाता है, कट भी जाता है। तो यहाँ मैं ब्लैंक पेपर यूज़ कर सकते हो, आप जोन से चाहे पेपर यूज़ कर सकते हो। कुछ टूल की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई टूल ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक पीस काट लिया है पेपर का, वाइट कलर का, और ये मैंने MDF बोर्ड पर एक ग्लू की वजह से चिपका दिया है। ये ग्लू है क्योंकि ये बाद में ईजिली हट भी जाएगा, तो इतना हार्ड नहीं चिपकता ये। तो आप चाहे इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि और जो होगा फेविकोल होगा या कुछ भी और ले सकते हो, वो चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं। तो इसलिए आपको रब करना पड़ेगा, फिर घिसना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये ग्लो इस पर लगा कर चिपका दिया है। और फ्रेंड्स, अब इसकी मार्किंग के बाद सबसे मेन चीज मार्किंग है। यहाँ फिलहाल 20 mm का इसका रेडियस ले रहा हूँ, जो सेंटीमीटर का बैठेगा इसका पूरा डायमीटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लगा लिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर का ही बैठा। और आप अपने हिसाब से, मैं अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये लगभग 16 mm का मैं इसका अंडर का रेडियस ले रहा हूँ, जो उसकी अंदर की लाइन होगी जो कट होगा वहाँ से। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वहाँ आपकी क्रिएटिविटी पर बात है। ये मैंने एक सीधी लाइन ले ली है। अब इस लाइन की हेल्प से मैं 90 डिग्री पर एक लाइन खींचूँगा सीधा। तो आप इस टूल की मदद से एक 90 डिग्री पर लाइन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सारी बात इसकी डायमेंशन की है, तो डायमेंशन बहुत ही आपको आराम से बहुत स्लोली करनी है। तो मैंने यहाँ से एक सीधी लाइन ले ली है, तो लगभग 90 पे सीधी लाइन हुई। इसके बाद फिर मैं एक लाइन लूँगा क्रॉस में इसके, यानी मैं एक तरह का प्लस का इसमें मार्क कर लूँगा, जिससे कि मुझे बाद में कोई परेशानी आए। उसके बाद फ्रेंड, मैं 45 पर लूँगा सीधा, 90 डिग्री से 45 पे इस तरह मैं सीधा ले लूँगा। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि सिंपल लैंग्वेज में कि आपको ये कई भागों में बांटना है। जितना छोटा आप इसे भागों में बांटोगे, डिवाइड करोगे, उतना ही आपका गियर अच्छा बनेगा, उसके जो टीथ होंगे वो अच्छे बनेंगे। तो फिलहाल मैं अब सब जगह 45 कट, यानी कि 45 डिग्री पर ले रहा हूँ। पहले मैं 90 का लिया, फिर 45 को लूँगा, तो ये आप देख पा रहे हो मैंने 45 का। उसके बाद मैं इसका आधा लूँगा, यानी कि 22.5 mm का मैं लूँगा, फिर उसके आधा भी लूँगा। तो ऐसे आधा आधा करते चला जाऊँगा मैं इसके, तो ये इसके तीत निकलेंगे यहाँ से। अगर आपने फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, या फिर आपने थोड़े वर्क किया है इसके ऊपर, स्केल के ऊपर, तो आप इजीली से बना लोगे। मैंने सारे पार्ट हाफ कर लिए हैं। आप जितने छोटे इन पार्टों करोगे, उतना ही आपका जो टीथ होंगे वो बारीक बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इनका भी हाफ ले लिया है। अभी मैं फ़िलहाल आपको सारे मार्किंग करके मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इससे भी हाफ लीजिए, जो मैंने फ़िलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको इससे भी हाफ अभी टीथ लेने हैं, तब जाकर और अच्छा बनेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता दूँ, एक मेथड बताता हूँ, बाकी आपकी क्रिएटिविटी की और बात है, आप इसे कितना बेहतर बनाएं। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है, इस तरह क्योंकि मुझे फ्रेंड इसके तीर्थ निकालने हैं, इसके दांत जो निकालने हैं। तो सब पे मैंने ऐसे ही मार्क कर लिया है, और मैंने बताया ना कि आपको इससे भी हाफ लेना है, जो कि तीर्थ और अच्छे बनेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख दो, सारी मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है, और अब मैं इसे कट करूँगा। ये चीज़ेल है, जिसे चोर से कहते हैं हिंदी में, आम भाषा में। तो और मैं इससे काटूँगा तो थोड़ा फैला हुआ है, थोड़ा चौड़ा है, लेकिन ये मैं पेचकस का जो एरिया वो कम है, और इस पेचकस को जो स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, इसे स्क्रू ड्राइवर फाइल है ये रहती है, इसे मैं इसकी नोब जो घिस लूँगा थोड़ा सा। घिसने से, रब करने से इसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी स्क्रू ड्राइवर की जो होगा, और ये ईजिली से कट कर देगा, क्योंकि एरिया कम है। फ्रेंड्स, मैं और टूल लगा बनाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप पेचकस लेकर कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर जो बारीक होगा उसे कर सकते हो, और ईजिली कट कर देगा, और आप आसानी से, कोई टूल आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर आसानी से आपको मिल जाएगा। और बहुत ही ध्यान से, देखभाल से आपको उसके तीत निकालने हैं, कट करने हैं, और अगर ज़रा सा भी आप चूके तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बहुत आराम से किए हैं, ये नहीं कि मैं वीडियो में जल्दी बता रहा हूँ, तो मैंने बहुत आराम से किए हैं। तो आपको आराम से निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, एक हल्का सा कॉर्नर भी टूटा तो तीत इसका टूटेगा, तो वो बेकार हो जाएगा गियर। तो देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स हमारा गियर आउट निकला। और मैं बता दूं, अभी आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसको और भी स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो इसी गियर को। तो फिलहाल हम इसे जो सैंड पेपर होता है, रेगमाल कहते हैं हिंदी में, वो आप इसे रब कर लोगे, घिस लोगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। और अभी आप चाहो तो इसके ऊपर जब पेपर लग रहा है उसे भी हटा सकते हो, वैसे नहीं हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हटाओगे तो थोड़ा रब करने के बाद वो थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगी, उस पर अच्छा लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, समझ आया, लकड़ी का तो नहीं बना दिया तो टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो को लास्ट बताऊंगा आप इसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इसे ही है।
और इस तरह से मैंने घिस लिया है। और आपको पता है जब मैंने शुरू में ही मार्किंग की थी गियर बनाने के लिए, तो बीच में एक पॉइंट लगा दिया था, तो उसमें आप आसानी से इसे होल कर सकते हो बिल्कुल बीच में। और मैं आपको फिलहाल इसे रन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता लगेगा ये वर्क कर रहा है। और आगे वीडियो बने रहोगे तो आपको मैं सारी नॉलेज दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिए प्लीज़। और अगर आपने वीडियो को लाइक की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मेथड नंबर टू पर आ जाते हैं अपने। तो जैसे कि आप जानते हो जब दो गियर हम यूज़ करते हैं तो उनके टीथ इक्वल होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने फ्रेम निकाल लिया है, इससे मैंने गियर भी निकाला है, अभी फ्रेम की तरह मैं इसे यूज़ करूँगा। तो मैंने इसके टीथ अच्छी तरह से चेक कर लिए हैं, सही हैं सारे। और यहाँ मैं एम सील यूज़ करूँगा जो कि आपको 10 रुपीज़ के 10 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी हार्डवेयर शॉप पर, जहाँ फाइव फिटिंग का सामान ही मिलता है। और इस तरीके से मैं इसे मिला लूँगा और आपस में मैं इसका ही मैं गियर बनाऊँगा दूसरा। अब बहुत से फ्रेंड्स कहेंगे यार समर ये तो मतलब टूट जाएगा, नहीं दोस्तों बहुत हार्ड होता है, एक तरह का बिल्कुल सीमेंट से भी जाता है, टफ हो जाता है और इजीली नहीं टूटेगा। आपको मिक्स कर लेना इस तरीके से जो फ्रेम हमारा बना है, तो इससे वो बना लेना। अब इससे फ्रेंड्स ये बेनिफिट होगा, एक गियर तो आपने निकाल लिया, दूसरा गियर भी आप इससे बना लोगे तो आपके गियर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों के एक समान बनेंगे और आप इजीली दोनों को यूज़ कर सकते हो अपने काम में। तो देखिए एम से मैं जो एक्स्ट्रा निकले उसे कट कर देता हूँ और आपस में मैंने इसे बिल्कुल इक्वल कर लिया है। आपको फ्रेंड्स ये काम भी बहुत ध्यान से करना है, एक पिन्नी ले लेनी है, पॉलीथीन ले लेनी है, उसको ऊपर रख के कुछ हल्का सा ऊपर से चोट मार देनी है और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे से भी छुट्टे में दिक्कत है लेकिन ये फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, मैंने काफ़ी इस पर टाइम लगाया है, जो नीचे बात कर दी लगभग एक आध घंटे बाद सूखने के बाद मैं इसे निकाल रहा हूँ। तो मैं इस कट कर लिया था क्योंकि MDF बोर्ड के अंदर ही अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, ईजिली नहीं निकलेगी। तो मैं यहाँ से इस तरीके से MDF बोर्ड को काट काट के इसे निकाल लूँगा और बाद में इसे घिस लूँगा काटने के बाद रब कर लूँगा। तो देखिए मैंने बहुत देर में निकाला, लगभग मुझे 10 मिनट लगे इसे निकालने में, तो ईजिली मैंने इसे निकाल के आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता तो वो लंबी जाती वीडियो। तो इस तरह देखिए बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत नाइस वर्क करेगा आपका ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके टीथ बड़े लग रहे हों तो आप किसी छोटे और डायमेंशन हाफ कर दीजिए, तो आपके टीथ इक्वल होंगे और दोनों बराबर काम करेंगे। तो चलिए मेथड नंबर थ्री पर आ जाते हैं। दो मेथड आपने जान लिए, दो की दो बहुत सिंपल थे। अब ये फ्रेंड थर्ड है जो कि ज्यादा मोस्टली यूज़ होता है PVC पाइप का, जो PVC प्लास्टिक का आपके ज़्यादातर गियर आते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा कट कर लिया इसको, और मार्केट में आपने देखा होगा कि इस तरह के गियर मिलते हैं, या मैंने कट कर लिया बीच में से। अब फ्रेंड जो गैस होता है आपके घर में, गैस आप उस पर तवे पे किसी भी चीज़ पर आँच पे इसे गर्म करके इसे बिल्कुल इक्वल मैंने फ्लैट कर लिया है, सीधा कर लिया है, ठीक है। थोड़ा से अगर इसे हीट दोगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और ईजिली फ्लैट हो जाएगा। तो आपको फिर एक टूल ले लेना है और बिल्कुल ईजिली फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आपको ये मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम हुई तो टीथ जो आपका गियर का होगा, यानी दांते कहते हैं इसे, वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा और उसकी वजह से आपका गियर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा सही से। तो आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है, मैंने बहुत टाइम लगाया है, अभी आप समझो यार, क्योंकि यूट्यूबर बना देते हैं आप समझते हो यार यूट्यूबर तो यही बना देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमें भी काम करना होता है चीज़ों पर। तो आपको बिल्कुल ध्यान से मार्किंग कर लेनी है, और मोस्टली यही यूज़ होता है ज़्यादातर प्लास्टिक का ही, और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, सबसे अच्छी बात है बहुत लाइट वेट हल्का होता है। तो इस तरह से मैं बना लिया है, अब क्या हो गया समझ आया, इससे अच्छा तो हम नहीं मंगा लें, हम मार्केट से नया ऑर्डर कर दें। तो फ्रेंड्स क्रिएटिविटी होती है बंदे के अंदर अपनी, ये जो आप खुद बनाओगे ना अपने खुद क्रिएटिविटी से, तो फ्रेंड्स उसकी फीलिंग ही अलग आती है, उसका अलग ही मज़ा है। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है, अभी मैं इसका मार्क कर रहा हूँ हाथ से, अंदाज से लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदाज नहीं लगाना, आपको बिल्कुल स्केल से अच्छी तरह से 1-1 mm का हिसाब लेके चलना है, तभी इक्वल बैठेगा। और इस तरह से मैंने हाफ लगा लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँ आपको इसका भी हाफ लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे अगर आपको टीथ चाहिए तो आप बिल्कुल हाफ लीजिए, छोटा जितना छोटा आप कर सको बिल्कुल, फिर उसके बाद कटने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कटने बाद जो गियर निकलेगा ना उसकी बात ही बिल्कुल अलग होगी। और मैं इस कटर का यूज़ कर रहा हूँ इसे कट करने के लिए, मैं इसे बिल्कुल गियर साइज में सर्कल में काट लूँगा और इसी से मैं आगे कट करूँगा इसे, इसके जो टीथ होंगे। आप चाहे तो एक ब्लेड आता है 1-2 रुपये का जिलेट का, उससे भी इसके टीथ निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो काफ़ी डेंजर होता है, तो उसको बिल्कुल आसने से आपको निकाल लूँगे, या कोई भी आप जो शार्प नाइफ होगा उससे भी इसके टीथ निकाल सकते हो मार्क लगाकर। इससे भी हाफ लगाइए पॉइंट और उसके बाद से मार्क कीजिए। तो इस तरह देखिए मैंने गियर बना दिया है और ये बहुत अच्छा गियर बना है, और मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम लगाया। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक तो आपको बनता है, तो एक वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छा वर्क कर रहा है, मैं आपको वीडियो रन करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल लाइव। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने 3 गियर बनाने सीखे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि वुड को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ इस गियर को, जो वुड का है MDF बोर्ड का। तो आपको फेविक्विक एल्फ ले लेने, इसके टीथ पर लगा देने, अब ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा और अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा तरीका तीनों में से अच्छा लगा और आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे। जो लकड़ी का होगा फ्रेंड्स ये बहुत इजीली बन जाएगा, और जो आपने MCL का बनाया था वो भी इजीली बन जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वर्क तीनों अच्छा करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेंड प्लास्टिक का होगा, उसके बाद वुड का, उसके बाद MCL का।
तो तीनों अच्छे हैं, आप कौन सा तरीका आपको सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे अच्छी लगी, कौन सा आपको तरीका अच्छा लगा, कौन सा आप तरीका यूज़ करना चाहोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े समर एक्सपेरिमेंट से। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपको फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।